वनबी मैडम, ये इम्पोर्टेड क्रॉकरी है, मेरी एक साल की पगार भी ना मेरा एक सेट नहीं खरीद सकती, समझी? एक भी प्लेट गिरी और टूटी तो समझ ले कि यहाँ जिंदगी भर काम करते रहना इसका हिसाब चुकाने के लिए। एक एक करके लेके जा, वैसे भी काफी हिसाब चुकाना है तूने। दो चक्कर एक्स्ट्रा लगाएगी तो कमजोर नहीं हो जाएगी? मीम साहब, वो ये रखकर मैं घर जा सकती हूँ? आई को बहुत चिंता हो जाएगी। जब आई के लिए पैसे चाहिए थे तब देर नहीं हो रही थी काम में? तब धक्के मार के निकालना पड़ता था कि जा बेटा बहुत हो गया अभी घर जा। जब पैसे चाहिए होते ना जितनी भी नौटंकी करवा लो उनसे, और एक बार पैसे मिल गए तो दिखा देते हैं अपनी औकात। जा अंदर लेके जाए। किलियो मूड यू नो। पंखा चलाया हुआ है तुम लोग ना, हर चीज में शॉर्टकट होता है। ये गीला पोछा लगा के फिर सूखे पोछे से ना सुखा फर्श को, निशान पड़ जाते हैं नहीं तो, और कोने भी अच्छे से घिसियो। कल्पी, वो देख वो ऊपर वाले शेल्फ में ना पापड़ रखे हुए हैं, ठीक है? उनको निकाल के जरा फ्राई करके ले आ बाहर। हाँ वही वाला, और एक अच्छे से प्लेट में ले आ, ठीक है? क्या हुआ? वो गैस। इतना भी नहीं सिखाया तेरी माँ ने है? ये भी मैं सिखाऊंगी। चल देखो नॉब है ना, उसको लेफ्ट घुमा और लाइटर से चला दे, इतना क्या मुश्किल है? चल अब कर। कल्पी कल्पी कल्पी, यहां कचरा गिरा है बेटा, आके साफ कर दे। कुर्सी लग गई। हाँ वो साफ कर दे बेटा। ये करके ना बेटा ये प्लेट भी उठा ले और ये वाली भी, और साफ करके रख देना। हाँ ध्यान से काम कर, आराम से काम कर, यही सीखा तूने अपनी आई से, ऐसी लापरवाही से काम करना। कब से कह रही थी इंपोर्टेड सेट है, एक भी प्लेट टूट गई तो पूरा सेट रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे। जी कोई हक नहीं बनता हमारा सपना तोड़ने का, सब जी जा घर जा, पक्का
पापा कैसे घर ले जाऊं? लेकिन आई तू, मैंने कहा इसे घर ले जा अभी। कमला, इस घर में चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। चल पी, इसे साफ कर, अपना काम खत्म कर, फिर जहां जाना है जा। ऐसे काम अधूरा छोड़ के जाना तमीज नहीं होती है। बिल तो कमला का पूरा चुकाया था ना मैंने। क्या कल्पी को घर लेके जा, जा! वो मेरी बाई है, ठीक है, काम कर रही है यहां पे, और वो भी मुफ्त में नहीं, अच्छे खासे दाम दे रही हूं मैं। अब क्या तू मेरे घर का काम फ्री में करेगी? बीमारी से उठकर तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा तुझसे, बस मेरे घर में तमाशा करने आ गई है। बुला कल्पी को वापस, उसे अपना काम खत्म करने दे, नहीं तो मैं बोल रही हूँ कमला, मैं पुलिस को बुला दूंगी। आज तो आप पुलिस को बुलवाई भाई, मैं भी उनको बताऊंगी कि आपने अपने घर पे एक नाबालिग लड़की से काम कराया है। ये जो तू खड़ी है ना यहाँ पे, मत भूल ये मेरी वजह से खड़ी है। इस लायक है तू आज मेरी वजह से। तेरे हॉस्पिटल के बिल्स नहीं चुकाए होते ना मैंने, तो तू मर रही थी वहां पे, और हॉस्पिटल से निकाल दी गई होती ना तो अभी कहीं सड़क पे मर रही होती तू, तो मर जाती ना। आपको क्या फर्क पड़ता मेरे साहब? बदतमीजी मैंने नहीं आपने की है, धोखा आपने दिया है मेरे साहब। ये जानते रहे कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी काम करे, वो मेरी तरह भाई बने, मैं नहीं चाहती थी, इसलिए आपने जानबूझकर मेरा अस्पताल का बिल चुका है, ताकि आप मेरी बेटी को अपने घर पे काम करवा सके। तुम्हेसा आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे सपने के खिलाफ जाए, मेरी बेटी को बाई बनाए। क्या बात कर रही है तू कमला? एक बाई की बेटी बाई नहीं बनेगी तो क्या बनेगी? तुझे शुक्र मनाना चाहिए, मैं उसे काम सिखा रही थी, आगे जाके उसी के काम आता ही। अच्छा सलाह दिया आपने मेरे प्यार का बिरसा, ये बदला चुकाया आपने। आपकी बेटी को मैंने अपनी बेटी समझकर प्यार किया है, ख्याल रखा है उसका। लेकिन जब मेरी बेटी की बारी आई, आपने तो उसका बचपन ही छीन लिया। अरे मेरे प्यार का नाम नहीं, मेरे दूध का तो मान रख लिया होता आपने। मैंने पाखी को अपने कलेजे से लगाकर रोज बुलाया है मेम साहब, अपनी छोटी सी कल्पी को इस जमीन पर सुलाकर पाखी को दूध पिलाया मैंने मेम साहब। पक्के का बचपन नहीं देख पाई मैं, कमला मित्तल जानों से कमला भाई बन गए, मेरा मित्तल टूट गया, और आपने आपने मेरी कल्पी को बाई बना दिया।
सब भूल गई ना मिर्जा, सब भूल गया। क्या कमला ने दूध पिलाया पाकी को? नीतू, क्या ये सच है कि कमला ने तेरी बेटी को? नहीं चुप रह पाई ना तू, किसी का इंतजार कर रही थी तू इतने साल कि मेरे ही घर में सबके सामने तू मुझे नीतू, मैं कुछ पूछ रही हूं, क्या कमला जो कह रही थी वो सच था? मुझे जवाब चाहिए नीतू, ये मेरा भी घर है, बाकी मेरी पोती है, क्या वो सब सच था जो कमला कह रही थी? बताओ सच था क्या? मम्मी जी, भाई आगे कुछ भी अनाप शनाप बन जाएगी, उसके लिए आप अपनी बहू को कंधे में खड़ी करेंगे क्या? भाई था इसकी और फिर इसकी तो यही आदत होती है, खुद भी अनाप शनाप आगे बन देती। और अब नीतू, कमला माँ झूठ नहीं बोल रही, उन्होंने जो भी कहा वो सच होगा। मुझे अब समझ में आया कि मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करती हूँ। आपने मुझे दूध भी नहीं पिलाया तो मैं आपको माँ कैसे कहती? और जिस कमला माँ को आप गाली दे रही हो ना नीतू, उसी कमला ने मुझे माँ जैसे प्यार किया। जब आपको अपनी किसी पार्टी से बर्तन नहीं मिल रही थी, तब कमला माँ ने मुझे खाना खिलाया, गोद में लेकर सुलाया मुझे। Don't you dare talk to me like this. Why not, Neetu? तुम्हें कमला माँ से जितनी नफरत का नहीं करो, लेकिन मुझे अभी समझ आया कि मैं कमला माँ से इतना प्यार क्यों करती हूँ, क्योंकि वो मेरी असली माँ है, तुम नहीं हो। मैंने तुझे 9 महीने कैसे अपनी कोख पे रखा? किसी ने मुझसे पूछा मेरे दिल पे क्या घुसी? साहिल, साहिल उसे पता चल गया, सब पता चल गया साहिल।
मैंने जो भी किया हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए किया। पापा ने कितना ट्राई किया लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे। रोज वो हॉस्पिटल के लोग पापा को कुछ ना कुछ बोल देते थे। मुझे और कुछ नहीं समझ आया, सिर्फ इतना पता था मेम साहब हमारी हेल्प करेंगे। मुझे माफ कर दिया ही, तू मुझसे बात करना, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगी। आई मुझे पता है तू मुझे कभी काम नहीं करने देना चाहती थी। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि तेरी तबीयत ठीक हो जाए। आई तुम मुझसे बात करना, आई प्लीज, आई आई प्लीज, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? कल्पी तू बाहर जा, आई को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। नहीं बाबा, आई के पास ही रहूंगी। अच्छा कर। देख तूने अभी क्या कहा कि मैं आई को और टेंशन नहीं दूंगी। अब अगर तू रोएगी तो आई और टेंशन लेगी, है ना? इसलिए अच्छे बच्चे रोते नहीं। तू जा, मैं आई से बात करता हूं। जा। कर उसे परेशान करने के लिए काम नहीं किया, लेकिन आई ये क्यों नहीं समझ रही है? कोई नहीं कल्पी, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। देख अभी आई को भी थोड़ी कमजोरी है ना, और फिर बीमारी की भी खीज है ना आई को। हाँ, लेकिन आई मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? कर और अब बैठ जा, अभी भी ठीक नहीं हुई है तू, देख कितनी कमजोरी है। चल बैठ, करने दे विठल, काम करने दे, कोशिश कर। कमजोरी क्या, मैं चाहती हूं मेरा बदन ही टूट जाए। कम से कम मेरे दिल में जो दर्द है वो तो शांत हो जाएगा। तू नहीं जानता विठल, कल्पी के हाथ में वो गंदी प्लेट और झाड़ू देख के मेरे दिल को क्या ठेस पहुंची है। जी करता है मैं मर जाऊं। कमला पागल हो गई, जो मुंह में आ रहा है बोलती जा रही है। बैठ। माना कि तेरे मन में बहुत गुस्सा है, लेकिन तू ये क्यों नहीं सोच रही है कि कल्पी और क्या करती? क्यों किया उसने ऐसा? ये घर की तेरी मेरी हालत देखकर तू उसकी जगह होती तो तू ऐसा नहीं करती। मैं नहीं चाहता था कि तू किसी के घर के भांडे बर्तन मांजे, लेकिन तू गई और मांजे क्यों? मेरी बदकिस्मती को देखकर तूने ये कदम उठाया। अब क्यों कल्पी को दोष दे रही है? क्यों? तू भी वही मानता है जो मेम साहब मानती, भाई की बेटी भाई ही बनेगी, है ना? लेकिन ये मेरा अकेले का सपना नहीं था विठल, हम दोनों का सपना था कि कल्पी को वो कुछ ना करना पड़े जो हम लोगों ने किया है। लेकिन अब वही हो रहा है और हम कल्पी को दोष नहीं दे सकते। मैं मानती हूं कि ये सब हो रहा है क्योंकि हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी, हमारी बेटी की मजबूरी नहीं बनेगी विठल।
मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्या? अपने दिल पर पत्थर रखकर मुझे कल्पी को अपने से दूर भेजना होगा।